के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले दो दिन पहले हमें केजरीवाल सरकार द्वारा एक नोटिस भेजा गया था जिसपे ये कहा गया था हमें हज मंजिल का जो कार्यालय है वो खाली करना। इस घटना के बाद मेरे ख्याल से दिल्ली से आके ही नहीं केवल पूरे देश का मान समुदाय स्तंभ है। ये एक ऐसा समय है जब हमें हर यात्रा की पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी चाहिए और रमजान का मुकद्दस पाक महीना चल रहा है। मेरे ख्याल से इस महीने में कोई भी सच्चा मुसलमान इस बात कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप हज कमेटी जैसे पाक संस्था को करते हैं। एक और बात बताऊं, 16 फरवरी 2023 से जब से मुझे अध्यक्ष चुना गया इस कमेटी पे मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए दो विधायक हैं श्री हाजी यूनुस और श्री अब्दुल रहमान जी। हमारी कमेटी की दो मीटिंग हो चुकी है जिसपे हम बिल्कुल मतलब दो महीने में हज आने वाला है। हम पूरी शिद्दत के साथ तैयार जुटे हुए हैं लेकिन तैयारियों में एक मीटिंग में ना आए हैं ना इन्होंने मिला का संपर्क रखा है ना ही इनका कोई योगदान आने वाले तैयारियों और राजनीतिक विरोध इन पर इतना अभी है। हाजियों की सेवा करने को पूछी नहीं और एक तरफ इनकी सरकार जो है जो कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों में बाधा डालने का पूरा प्रयास कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है केजरीवाल जी और इनसे संबंधित जो मंत्री हैं इनके कैलाश गहलोत जी उनको हमने कई चिट्ठियां भेजी कि जी हमारी सहायता करिए हज की तैयारियों में लेकिन इनके पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने सुना होगा कि केजरीवाल सरकार तो हज कमेटी का नया भवन बनाने की बात कर रही थी द्वारका में। अरे नया भवन तो छोड़िए जो अभी चंद्रावा कार्यालय है उसको खाली कराने की बात हो रही थी। इसी विषय में अभी बस मैं एनजी साहब के पास गई थी उनके सामने अपनी बात रखी और उनसे निवेदन किया कि इसमें हमारी मदद कर दी तो जो की चिट्ठी में चाचा जी आपको चिट्ठी दिखाएंगे के मुताबिक कुछ और मैं आपको फैक्ट देना चाहूंगा। मित्रों बहुत ही अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि रमजान के इस पाक महीने में जरूरी वक्त में हज करने का नोटिस केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इसलिए दिया है कि उनकी पसंद की हज कमेटी के अध्यक्ष नहीं हो पाए है और वो किसी और पार्टी से है। अफसोस की बात यह है कि गरीब हाजियों की जिसके सहायक है तो हज में सारी तैयारी रमजान में होती है वो सारे भाइयों से मुसलमान भाइयों से उसको वंचित रख रहे हैं दूर रख रहे हैं। क्यों सिर्फ गरीब के मैं इसके लिए आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये हज मंजिल जो है आप सब जानते हैं 95 से बनाई गई है 95 से है और अब तक जब तक केजरीवाल जी के खास लोग उस पर से तब ये याद आया कि इसका किराया देना है जब कुछ भी उसका बकाया अब बाकायदा इतने सालों से सोचे 95 अब तक जो 38 लाख जो दे रहा था उसको बढ़ा चढ़ा ब्याज के साथ और ब्याज भी 18% बढ़ा चढ़ाकर 1 करोड़ से भी बढ़कर वो मांग रहे हैं। पूछने वाली बात है ऐसा क्यों करेंगे हज कमेटी के साथ हज मंजिल के साथ ये जानते हुए कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुसलमान ज़ईफ बूढ़े भाई बहनों के पर होगा जो वाकई मुस्तहक है हज करने के लिए जिनकी एक लालसा रहती है
ख्वाहिश होती है कि वो तैयार करें, ये जान बूझ के और सिर्फ अपना विरोध करने के लिए सब मुसलमानों के वाकई में मुसलमान हकदार थे इस हकीकत के ये किया है। और दिल्ली जो मुसलमान मुस्लिम समुदाय है बल्कि दिल्ली जानना चाहता है कि इस तरह का फैसला और सारा नोटिस आखिर केजरीवाल ने किस मंशा के साथ दिया है, इसका जवाब उन्हें देना हो शरीफ के लिए। तो ये सवाल जवाब केजरीवाल से हम मांगते हैं कि किस बिना आपने मुसलमानों का हक छीना, इसके बारे में और भी जानकारी अरुण साहब आपकी।